हेलो फ्रेंड्स, आज आपको गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी बताते हैं। ये गुलाब जामुन आप अपने घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। गुलाब जामुन बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है ये बताते हैं। पाँच सौ ग्राम मेवा, 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम घी, 100 ग्राम पनीर, 50 ग्राम मैदा, 4 से 5 इलायची, 1 चम्मच पिस्ता, 10 से 12 धागे केसर के। सबसे पहले पनीर लेंगे। पनीर को जो हार्ड है उसको सॉफ्ट कर लेंगे। इसको ठीक से तोड़ के मैश कर लेंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हल्के हल्के हाथ से इसको मैश करेंगे। इसको इतना मैश करेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हल्का सा और मैश कर लेंगे। अब अपन इसमें जो आधा किलो मावा था वो ऐड करेंगे। अब इन दोनों को मैश करेंगे। इसको ठीक से मैश कर लेंगे। अब इसमें जो 50 ग्राम मैदा थी वो मैदा ऐड करेंगे इसमें। ऐड करने के बाद में अब इसको मैश करेंगे ठीक से। इन तीनों को ठीक से मिला लेंगे। दो चार मिनट इसको मैश करेंगे ठीक से। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और तैयार हो गया है इसका। अब अपन इसको, ये तो तैयार हो गया है, अब अपन इसके लिए चाशनी बनाएंगे। जो आधा किलो चीनी था वो ऐड करेंगे इसमें। अब 2 कप पानी डालेंगे। तो थोड़ा हल्का हल्का चलाएंगे। ये चीनी इसके अंदर, पानी के अंदर घुल जाना चाहिए पूरा। अब इसमें अपन जो 10 से 12 धागे केसर के लिए थे, जो पानी में अपन पहले ही डाल रखा था, वो अपन इस चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। तो गुलाब जामुन की चाशनी तैयार होती है जब तक अपन सूखा मेवा तैयार कर लेते हैं, जो गुलाब जामुन के बीच में टिक्की बनाई जाती है।
इसमें चार पांच बादाम, चार पांच काजू, एक चम्मच मावा, जो चार पांच इलायची लेती वो पीसी हुई, और एक चम्मच पिस्ता, सबको मिक्स करेंगे ठीक से। मेवा तो तैयार हो गया है, वो अपन एक कढ़ाई लेंगे जिसमें घी ऐड करेंगे। गैस को धीमी आंच पे रखना है। जी गर्म। अब अपन गुलाब जामुन के लिए रोल तैयार करेंगे। घी गर्म हो गया है। ओके, घी गर्म हो गया है। ये अब एक पीस गुलाब जामुन की डालेंगे जो अपन ट्राई करेंगे उसको। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो गैस पे होना चाहिए। जब तक गुलाब जामुन हल्का बादाम कलर नहीं आ जाता जब तक इसको हिलाने नहीं है, और ट्राई ओनली घी को ही, चम्मच से हल्का हल्का घी को हिलाना है, इससे वो अपने आप हिल जाएगा। अब एक साथ सारी गोलियां तैयार कर लेंगे इसके लिए। इसमें सूखा मेवा डालेंगे। अब इसको चारों तरफ से बंद करके हल्के हल्के उंगलियों से बंद करना है इसको। ज़्यादा दबाव नहीं लगाना इस पर, नहीं तो ये जो अंदर का मसाला है वो बाहर आ जाएगा। इसको हल्का हल्का गोल करना है। ये गोल, अब इसी प्रकार सारी गोलियां तैयार हो गई है। गैस को बिल्कुल लो रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। एक एक पीस डालेंगे अब इसमें। हल्का बादाम कलर आने के बाद में इसको चम्मच को चलाएं। ये देखिए गुलाब जामुन कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, और ये गुलाब जामुन पूरी तरह से तैयार हो गए। इसको एक दो मिनट के लिए और चलाएंगे। और अब इनको निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा घी है वो पूरा निकल जाना चाहिए इसमें से। और इनको निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए, जो गुलाब जामुन की चाशनी तैयार किए थे वो गर्म होनी चाहिए।
ये देखिए बन गया ना हलवाई जैसा गुलाब जामुन। ये घर पे बहुत आसान तरीके से बनाए जा सकते हो। ये देखिए कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन है और एकदम हलवाई जैसा लग रहा है। बिल्कुल खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान होता है।